इन दिनों राजनीतिक हस्तियों का होली मिलन समारोह भी लगातार जारी है। हर दिन कहीं ना कहीं भव्य आयोजन चल रहे हैं। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विगत दिवस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। वही इंदौर भाजपा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी आयोजन में मौजूद थी। ये मैं पिछले कई दिवाली पे और एक सावन मास में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बरसों से हम बुलाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, किसी तरह की कोई भाषण नहीं, वो नहीं, हम से उल्लासपूर्वक मिलते हैं और त्योहार की एक देते हैं। मतलब 25-30 साल से ये हमारे बिना नागा के कार्यकर्ताओं के बीच में इसका कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है और धर्म का बनाने का उद्देश्य है। इस बहाने कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलेंगे, उल्लास से वातावरण देंगे और घंटे दो घंटे हम सब साथ में हंसी मजाक बातचीत करते हैं। चुनाव परिणाम आए, कहीं जीत हुई है, कहीं हार हुई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम त्रिपुरा और नागालैंड में आए, ये इस बात को दर्शाते हैं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीति सिर्फ उत्तर में नहीं, सुदूर भारत में, पूर्वी पूर्वांचल में भी स्वीकारी होती जा रही है और जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय बहुत शुभ लक्षण के जो मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया उसके साथ लेफ्ट मुक्त होती जा रही है और कश्मीर कुमारी तक पूरे भारत में एक दल का राज, ये जो कल्पना ये साकार होती दिखाई दे रही है। शामिल होने वाली हस्तियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक महेंद्र हाड़िया, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी, भाजपा नगर महामंत्री कमल वाघेला, पार्षद सीमा विरांग सहित कई लोग मौजूद थे। होली ये समता का त्योहार है, रंगों का, और हमारे परंपरा है कि कई जगह होली के 15 दिन पहले होली का डंडा समय से होलिका उत्सव, मालवा फाग उत्सव, ये होली दहन के बाद में शुरू। आयोजन में गीत संगीत और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने कई मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं राधा कृष्ण की जोड़ी ने महिलाओं के साथ जमकर नृत्य किया। रविवार सुबह से शुरू हुए आयोजन का दौर शाम तक यूं ही चलता रहा।